बहुत समय पहले की बात है, एंड्रोक्लेस नाम का एक गुलाम रहता था। उसका स्वामी बहुत कठोर और निर्दय था। एंड्रोक्लेस पर बहुत अत्याचार करता था। एक दिन एंड्रोक्लेस ने घर से भाग जाने का सोचा। वह एक रात मौका पाकर घर से भाग निकला। भागते भागते वह दूर जंगल में जा पहुंचा। भोजन और आश्रय की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। अचानक उसके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर एंड्रोक्लेस घबरा गया, किंतु शेर ना तो उसके निकट ही आया और ना ही उससे दूर भागा। वह दर्द से चीखता रहा। एंड्रोक्लेस को शेर की इस दशा को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि शेर के पंजे से खून निकल रहा है। घबराते हुए शेर के निकट गया और उसके पंजे को हाथ में लिया। शेर के पंजे में एक लंबा कांटा घुसा हुआ था। उसने पंजे से कांटा निकाला और उसका खून साफ करके अपने कपड़े से टुकड़ा निकाल कर बांध दिया। शेर को आराम मिला। ऐसे ही दिन बीतने लगे। वह दोनों साथ में रहने लगे। शेर अपनी गुफा में उसे साथ रखता था। एक दिन कुछ सैनिक ने जंगल में एंड्रोक्लेस को देख लिया। वह तुरंत राजा के पास जाकर सारी बात बताई। राजा ने आदेश दिया, एंड्रोक्लेस को तुरंत बंदी बना के लाओ। एंड्रोक्लेस को बंदी बनाकर राजा के सामने पेश किया। राजा ने सजा सुनाई कि एंड्रोक्लेस को भूखे शेर के सामने डाल दिया जाए। सजा का दिन करीब आया। एंड्रोक्लेस को भूखे शेर के सामने छोड़ दिया गया, पर शेर ने उसे कुछ नहीं किया, बल्कि उसके साथ खेलने लगा। यह वही शेर था जिसकी मदद एंड्रोक्लेस ने जंगल में की थी। राजा ने सारी बात जानने के बाद दोनों को आज़ाद कर दिया।